हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यानी कि होता क्या है। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ऐसे इक्विपमेंट होते हैं कि जिसका इस्तेमाल हम फायर के ऊपर उसको बुझाने के लिए करते हैं, या फिर उसकी हेल्प की मदद से हम आग को जो है बुझाने के लिए वहां पर जा सकते हैं और उसको बुझा भी सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पर फायर हाइड्रेंट है, होज ड्रिल होज है, होज है, फायर एक्सटिंग्विशर्स है। तो ये जो सारे एग्जांपल्स है, ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के एग्जांपल्स है। चलिए अब जानते हैं कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के टाइप्स क्या है उसके बारे में। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की मेन तीन कैटेगरीज आती है। सबसे पहला है मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, दूसरा है पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और तीसरा है फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में। तो मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यानी कि एक ऐसी व्हीकल होती है जिसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को जो है वो कस्टमाइज किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है बहुत सारे फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट है वो व्हीकल के अंदर में जो है यहाँ पर रखे गए है, और इस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को व्हीकल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल किया जाता है, लेके जा सकते हैं। तो इसमें आता है फायर होजेस, फोम एंड नोजर्स। अब फायर होजेस में डिफरेंट टाइप के होज इसमें आते हैं, जैसे कि सप्लाई होज हो गया, बूस्टर होज हो गया, स्पेयर होजेस हो गए एक्सेट्रा। फायर लैडर्स इसमें आती है, स्काबा इक्विपमेंट आता है, फायर फाइटिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग भी इसमें आती है, अदर फायर एपरेटस इक्विपमेंट भी इसमें आते हैं, जैसे कि रेडियोज हो गया, हैंडलाइट हो गया, बॉक्स लाइट हो गया, पोर्टेबल लाइट जनरेटर्स हो गए, हैंड टूल्स हो गए, पावर टूल्स हो गए, पॉजिटिव प्रेशर फैंस हो गए, रोप्स हो गए, कॉर्ड्स हो गए, वाटर सप्लाई हो गया, वाटर एक्सटिंग्विशर हो गया, ड्राई केमिकल फायर सप्रेशन हो गया, एक्स हो गया, पाइप पोल्स हो गया, ट्रैफिक वेस्ट हो गए, कोन्स हो गए और तार्स हो गए। तो ये जो सारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, ये एक व्हीकल के अंदर जो है वो कस्टमाइज किया जाता है। फिर उसके बाद है पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। तो इस पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में जो है जो छोटे वाले फायर इक्विपमेंट्स होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया, फायर बकेट हो गया, फायर होज हो गया, फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग या फिर ग्लोव्स हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि स्काबा हो गया, और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी इसमें आते हैं। अब इस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इसलिए कहा जाता है ताकि हम इसको इजीली अपने हाथ से उठाकर जो है इसका यूज कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं। और सेम इसमें से जो कुछ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है ये हमने मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में भी देखे हैं, लेकिन वहां पर जो है ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो है एक व्हीकल में इंस्टॉल किए जाते हैं, वहां पर कस्टमाइज होते हैं। और पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में क्या होता है कि ये जो इक्विपमेंट्स है ये सेपरेटली जो है हम हमारे साइट पर इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। तो ये चीजें आपको समझनी है। चलिए अब जानते हैं तीसरे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, जिसका नाम है फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अब इसका नाम ही है फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, यानी कि ये जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है ये एक जगह पर फिक्स किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि फायर हाइड्रेंट हो गया, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, होज रील होज हो गया, फायर अलार्म्स हो गया एक्सेट्रा। तो ये जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है इसको एक जगह पर फिक्स किया जाता है, इसलिए इसको इसमें कैटेगराइज किया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।